किया गया है, क्या कुछ पकड़ा गया था? देखिए, विगत कई दिनों से ये मोबाइल चोरी की और मोबाइल छिनैती की घटनाएं काफ़ी ये संज्ञान में आ रही थी और काफ़ी अखबारों में भी आ रही थी, काफ़ी न्यूज़ इसके बारे में आ रही थी कि बहुत घटनाएं बढ़ गई, जिसमें कि हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा ये निर्देशन दिया जाएगा कि इस तरह के गैंग पे काम किया जाए। और मेरे द्वारा इसमें ACP फतेहाबाद को इसमें निर्देशित किया गया था, जिनके द्वारा SHO फतेहाबाद द्वारा इनका ACP का नेतृत्व तो रहा और SHO फतेहाबाद द्वारा इसमें गुड वर्क किया गया। इसमें करीब 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 25 मोबाइल अलग अलग ब्रांड के बरामद हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल जिसको ये प्रयोग किया करते थे, पल्सर, वो बरामद हुई है। 2 तमंचे जो ये लोग प्रयोग करते थे वो भी बरामद हुए और कुछ कैश मिला इनके पास से। इनके द्वारा कबूल किया गया कि इनके ये 25 अलग अलग जगह से ये चोरी किए गए या छिनैती की गई, और इसमें इनके द्वारा और भी घटनाएं की गई हैं जिनके बारे में जो पता लगाएगा। पर किस तरीके से इतिहास क्या रहा होगा इनका? आपराधिक इतिहास है, पहले भी ये लोग रहे हैं इसमें छिनैती और इस सब में पहले भी गए हैं। पूरा आपराधिक इतिहास हम लोग इसमें बना रहे हैं खंगाल में, इसके हिसाब से आगे इनमें इनके ऊपर गैंगस्टर और इस सब की भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। आगे या बाकी ये आगरा के ही हैं, आगरा के रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र के हैं और इनको यही सब पाया गया। सर, किस तरीके से जो ये वारदात को अंजाम देते थे और मोबाइल जो बरामद हुए उनकी कीमत क्या रही होगी सर? देखिए, इनका अलग अलग मोडस ऑपरेंडी था। ये कभी टेम्पो में, ऑटो में बैठकर जो मोटरसाइकिल और ये मोबाइल थे उसकी छिनैती किया करते थे। कभी ये लोग जो जनता जो कभी बात करती रहती है मोबाइल पे, तो ये मोटरसाइकिल से आते थे और उनसे छीन के भाग जाते थे। कभी इनका ये भी रहा है कि ये लोग तमंचा दिखा कर भी ये मोबाइल छीन लिया करते थे। तो इनके अलग अलग मोडस ऑपरेंडी थी जिस हिसाब से हो जाए। और करीब इसमें अभी हमारे 25 मोबाइल बरामद हुए, जिनकी तकरीबन कीमत 2.5 से 5 लाख रुपए है। और इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें बरामद की गई हैं, जैसे असला और मोटरसाइकिल, जिनकी अलग अलग कीमत है।